धार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रात करीब 2 से 3 बजे के बीच काले रंग के होंडा शाइन गाड़ी से निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक आमहार के पास किसी पार्टी में कोडिन सायरप की सीसी की सप्लाई करने दो लोग आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया व उनसे कोडिन फास्फेट सायरप की 30 सीसियां जब्त की गई। घटना में उपयोग की गई होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों के विरुद्ध NDPS एक्ट की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। बताया है सागर पुलिस ने मादक पदार्थ बेचते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है। क्या है पूरा मामला? जिला पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने सभी राजपत्र अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को जिले में इसके संबंध में को मादक पदार्थ के रोकथाम के संबंध में एक अभियान चला रखे हैं। गातव्यों की कई जगह गांजा भी पकड़े गए हैं और दूसरे मादक पदार्थ भी पकड़े जा चुके हैं। उसी तारतम्य में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सागौर थाना क्षेत्र में चंदन नगर इंदौर के 2 साथी अपराधी मादक पदार्थ सप्लाई करने आते हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी राजेंद्र भदौरिया एवं उनके स्टाफ ने निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक के पास चंदन नगर के सादिक और रमीन को मोटरसाइकिल से आते हुए पकड़ा, जिनके पास से कोडिन फास्फेट सायरप जो प्रतिबंधित है की 30 सीसियां मिली, जो NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत अपराध है। दोनों अपराधियों को कड़ी पूछताछ के बाद माल जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया गया एवं इनके स्रोत की पता लगाने के लिए इनको पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। सर, ये पकड़ा गया मादक पदार्थ जो शीशियाँ हैं, इनकी कुल कीमत कितनी होगी? सर, इनकी कुल कीमत 15,000 रुपये है। बाजार में इनकी कीमत 15,000 रुपये है। और भी शीशियाँ कब कब सप्लाई किया इन्होंने, कहाँ कहाँ सप्लाई किया है, उसके बारे में भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।